मैं अब शेख श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले को लेकर के आज हम सभी छात्र, प्रदेश के समस्त छात्र छात्राएं पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। और देखा जाए तो ये मामला 1.5 साल से लंबित है, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय से हम सभी के पक्ष में कोई फैसला नहीं आ पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 जून को हेल्थ काउंसलिंग कराने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। मैं अभी भी आप सभी को कहता हूँ कि ये अंतिम मौका है, इसमें आप सभी को अपनी ताकत दिखलानी होगी। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि तीसरी काउंसलिंग बगैर उत्तर कुंजी का फैसला आए बगैर नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हमारी विशेष निवेदन है कि जब तक उत्तर कुंजी पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी कीमत पर थर्ड काउंसलिंग ना कराई जाए। और अगर प्रश्नों की बात करें, वो चाहे गोरखनाथ का प्रश्न हो, चाहे संविधान सभा का प्रश्न हो, ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके एक से अधिक विकल्प सही हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले भी आयोग द्वारा, वो चाहे लोक सेवा आयोग हो या चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, ये पहले भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं ये प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आपने हम सभी के साथ न्याय नहीं किया, तो एक इसका भयंकर खामियाजा आप सभी को देखने को मिलेगा। इसलिए वो चाहे पीएनपी हो या एससीईआरटी हो, लगातार हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और लगातार धरने के माध्यम से, और चाहे वो ज्ञापन का माध्यम हो, वो चाहे सड़कों पर माध्यम हो, वो चाहे जेल तक जाने का माध्यम हो, जब तक हम सभी के साथ न्याय नहीं मिल जाता, हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त छात्र छात्राएं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और उत्तर कुंजी का मामला कोर्ट में लंबित है और जल्द ही ओपन बेंच में सुनवाई होने की संभावना है। इसलिए प्रदेश सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आयोग ने जो गलती की है, उसका खामियाजा ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्र जो झेल रहे हैं, ये किसी कीमत पर नहीं झेलेंगे। और आप सभी को उत्तर कुंजी पर न्याय मिलेगा, ये मेरा वादा है। और बगैर लिए हुए ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा, ये जो बेरोजगार महिलाएं हैं, किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। धन्यवाद। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, 69,000 शिक्षक भर्ती पीड़ित छात्र, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।